हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 10 मिनट में बनने वाली खिचड़ी। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ लाइट सा खाने का मन हो या फिर आज जुम्मे का दिन है, काम बहुत बढ़ जाते हैं, तो ये झटपट सी बन जाती है लंच में और बहुत हेल्दी भी होती है और काफ़ी टेस्टी भी बन के तैयार होती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने करीबन 1 गिलास चावल ले लिया है और यहाँ पे हम 2 से 3 किस्म की दालें ले लेंगे, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ मसूर की दाल और मूंग की दाल ले ली है और हम इसे 2 पानी से अच्छे से धो लेंगे। और उसका पानी हम फेंक देंगे और फिर दूसरा पानी और ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको दालों को भी धो लेना है और इसका धुला पानी फेंक के इसमें अच्छा पानी ऐड कर देना है और इसे आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ देना है, ताकि ये फटाफट बन जाए भीगने के बाद। और हमने कुकर ले लिया है। कुकर में हम यह घी की खिचड़ी बनाने वाले हैं। बहुत टेस्टी बनती है और कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो बड़े टेबल स्पून से हमने 2 टेबल स्पून घी ले लिया है। अब इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, काली मिर्च, तेज पत्ता, कलमी, लौंग, और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली थी और 2 मिर्च हरी मिर्च, और उसे भी डाल देंगे और उसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये गुलाबी हो जाए तब तक हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 टीस्पून डाल देना है। और चम्मच चलाते हुए इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक नॉर्मल साइज का हमने टमाटर ले लिया है और उसे अच्छे से कट कर लिए हैं और उसे इस तरीके से हम प्याज में मिक्स कर देंगे और ऊपर से कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आप चाहे तो गरम मसाला कोई भी आधा टीस्पून ले सकते हैं। अब ये सब अच्छे से भुन चुके हैं। तो यहाँ पे हमने जो दाल और चावल भिगो के रख दिए थे वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पे पानी आप चावल की क्वालिटी के हिसाब से डालें। यहाँ पे हमने 2 से 2.5 गिलास पानी डाल दिया है, इससे काफ़ी नरम खिचड़ी बनेगी। और ढक्कन लगा दिया है। अब हम 1 से 2 सीटी होने देंगे। ये देखिए सीटी हो चुकी है। तो अब थोड़ी देर बाद हम कुकर खोल लेंगे। ये काफ़ी अच्छी हल्की फुल्की खिचड़ी बनके तैयार है। तो हम इसे सर्व कर लेते हैं और गर्मा गर्म इसका मज़ा लेते हैं। तो ये खिचड़ी काफ़ी हल्का फुल्का सा लंच है, आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो इसके साथ हमने पापड़ तल लिए हैं और यह दही का मठा बना लिया है और अचार ले लिए हैं और गर्मा गर्म हम इसे ट्राई करेंगे। और ये बहुत जल्दी झटपट बनती है और बहुत हेल्दी होती है। और गाइस, आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसी तरह की और भी हमारी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।